लेकिन आज वो मान जाएगी कि खत उसी ने लिखे हैं, और फिर आप भी मान जाइएगा प्लीज। मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूं। चाहे तो कसम ले लो। चलो दे दो कसम। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये सोचकर शर्म नहीं आती कि वो तुमसे मोहब्बत करती है और आज वो उसको ढूंढ रही है जिससे तुम मोहब्बत करती हो। आओ, आओ ना यार, खुदा के रास्ते पर चल पड़े हो तो कहां पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। एक बस हैदराबाद फलांकर कराची गए थे तो अब यहां खड़े सोच रहे हो कि तुम हैदराबाद से गए नहीं हो या कराची से आए नहीं। कैसे हो मंगेतर? अंदर आओ। क्रिकेट खेलते हुए देखा था तुम्हें, जमकर खेलते हो यार। यार मत को, बस सुन लेंगे। ये आखिरी आखिरी बदतमीजियां हैं प्यारे। फिर मैं कहां, तुम कहां? इससे कहिए गुस्से से ना देखे। गुस्से से मत देखो। क्यों गई थी वहां तुम? हाँ, मौलवी अंकल के कोकोनट वाले बिस्किटों की खातिर। यहां मिलाइए ना। और तुम्हारी अम्मी की खातिर, उनको फरा में तुम दिखते हो। और तुम्हारी खातिर अफजल साहब, मुझे तुम्हारी आंखों में वो नजर आती है। सोचा तुमने मंगनी करके मेरा दिल रख, अब मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए मंगनी तोड़ देती हूँ। इससे कहिए अंकल मेरी अंगूठी वापस कर दे। आपको मेरी कसम। क्या कह रही हो तुम? यास्मी, ऐसी बुरी बुरी बातें मत करो। मौलवी साहब को कसम दी है मैंने। और आप ही तो वन साइडेड हैं बहुत। कोकोनट वाले की सब बातें मान लेते हैं, मेरी एक नहीं मानेंगे। बहुत प्यार करते हैं वो। मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ।
वापस जाकर उन्हें याद किया करूंगी तो मैं भी बहुत रोया करूंगी। चलो मेरी अंगूठी वापस करो। मेरी अम्मी तो उसी दिन कह रही थी कि ये कैसी मंगनी है जिसमें लड़के की अम्मी अब्बा ही नहीं आए। मैंने कहा शुक्र कीजिए कि वो आ गया है वरना तो कमीना फोन पर भी कहता कि मंगनी कर लो तो मैं कर लेती। तुम्हारी अंगूठी नहीं दूंगी। मम्मी के सामने शो मारने के लिए रखी है। कहूंगी तभी मदद की मंगनी है मम्मी। शादी होते होते उम्र बीत जाएगी। अब चलो घर छोड़ा मुझे। खत मैंने लिखे थे लुबना। कौन से खत? वही अफजल वाले। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। अब मैं मान गई हूं तो ये मत कहो कि झूठ बोल रही हूं। वो तो मिस मैरी डिसोजा की वजह से पकड़ी गई हूं वरना मैं कभी नहीं मानती। और वो वजू करके अफसर के घर गई थी और जाकर उसकी अम्मी से कहा था कि कुरान पर हाथ रख देती हूँ। वो क्यों कहा था? इतना बड़ा गुनाह कर रही थी तुम? मुझे मालूम था वो हाथ नहीं रखने देंगी। या अल्लाह, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम भी माफ कर दो प्लीज। तुम जरा लिस्ट तो बनाओ और चेक तो करो कि किस किस से माफी मांगोगी और कौन कौन माफ करेगा तुम्हें। अब्बा तो तुम्हारे जबड़े पर मुक्का मारेंगे। अब मैं डट गई हूँ लुबना, मुक्का भी खा लूंगी। और वो जो खुदा तुमसे पूछेगा उसका क्या करोगी? यास्मीन ने लिया उसकी जिम्मेदारी, बोली के दम तोड़ने और झूठ बोलने के सारे गुनाह कबूल कर लो। मैं रोकर कहूंगी कि माफ कर दो। रो रही थी वो? बहुत। अफजल से बहुत प्यार करती है वो, वन साइड। और वो कमीना मुझसे प्यार करता है। तो तुम पर कुर्बान हो गई वो? मैंने मना भी किया था, मैंने कहा कि तुम कर लो शादी उससे। You're so simple. लेकिन उसने कहा कि मोहब्बत में खुदगर्ज बनो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती सबको पैर तले रोंद देती। और ये बात तो तुमने फौरन ही सीख ली होगी
और देखते ही तुमने यास्मीन को पैरों तले रोन दिया। मैं अफजल से मोहब्बत करती हूँ लुबना, तो बताओ फिर मैं क्या करूं? सत्यन को फोन करो, कहो कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम कर लो ना, बेचारा है तो बहुत अच्छा। वो तो अब करनी पड़ेगी, वरना लोग कहेंगे ये लड़कियां बस बात बात चलाती हैं, बात को आगे नहीं बढ़ाती। कुर्बानी दे रही हूं तुम्हारे लिए। मैं उसे बुलाओ, उससे कहो उसके ड्रेसेस आ गए हैं, आगे देख ले और तैयार होकर मेरे साथ चले। अम्मी कहाँ हैं? ज्वेलर की दुकान पे हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उसको लेके आऊं। जेवर पसंद करने के लिए? अरे हाँ भाई, आप आइए मेरे साथ। तुम जाके चीजों पर रखो। अब्बा बड़े तहम्मुल से एक आखिरी खबर सुन लीजिए। आखिरी खबर? गुस्सा है तो थप्पड़ ऊपर मार लीजिएगा, फिर बाद में अम्मी से जाकर कहिएगा कि ये मेरा फैसला है, मेरा मतलब आपका। फरा के बारे में कोई बात मत करना, उसके बारे में मैं कोई खबर सुनना नहीं चाहता। प्रॉमिस अब्बा, फरा की तरफ से कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या बात। वो अब्बा, वो सिप्तेन है ना? क्या हुआ सिप्तेन को? कुछ नहीं हुआ अब्बा, आप तहम्मुल से सुनिए ना। अच्छा अच्छा बोलो। वो सिप्तेन अब्बा असल में मेरे लिए था, मतलब वो प्रपोजल लेकर मुझसे शादी करना चाहता था। क्या? आई स्वेयर अब्बा, लेकिन मैंने उससे कहा शादी एक शर्त पर होगी। किस शर्त पर? आपको गुस्सा आ रहा है ना? अरे नहीं आ रहा गुस्सा, तुम अपनी बात पूरी करो। शर्त ये थी अब्बा कि वो फराह को बिल्कुल ठीक कर देगा। ठीक कर देगा? क्या मतलब? अरे अब्बा ठीक हो गई है वो, मान गई है कि खत वही अफजल को लिखा करती थी। अब इस घर में कोई भी अफजल का नाम नहीं लेगा। अब्बा पूरी बात तो सुनिए। इरसा ने इस तरह की कोई खबर सुनी तो खड़ी खड़ी मर जाएगी वो। उन्हें सब पता है अब्बा। अब्बा मैंने आपका दिमाग का आलू बना दिया ना, लेकिन अब्बा इस बार गलती फराह की नहीं थी, ये आलू मेरी वजह से बना है। अरे खुदा की बंदी, सिप्तेन के मम्मी पापा क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेंगे, उन्हें भी सब पता है। तो फिर मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? आपको एक्टिंग नहीं आती ना अब्बा, हमने सोचा आप नेचुरल परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो ठीक हो गई है? एकदम ठीक हो गई अब्बा। पर तुम लोगों को ये नहीं लगता क्या देर हो गई है? मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, मैंने तुम्हें बाप बन के दिखाया है या दोस्त बनकर? दोस्त बनकर ऑफ कोर्स। तो फिर फरा से कहो कि कोई दोस्त भी उसे मशवरा नहीं देगा कि वो फसल के बारे में सोचे। आप ये यास्मीन की वजह से कह रहे हैं ना, तो वो अब नहीं रही, मतलब वो मंगनी तोड़ रही है। अरे उसी ने तो आकर सारी बातें समझाई है फरा को। उसने कहा कि मंगनी तो बिल्कुल वैसी थी जैसे सिप्तेन और फरा की शादी हो रही थी, वो जरा सीरियस थी, लेकिन अफजल तो फरा से रिवेंज ले रहा था। रिवेंज मतलब फरा की मंगनी थी ना उस दिन, तो जलन के मारे उसने भी वही डेट रख ली। वो कराची में 12 मर्डर करके आया लुबना, उसका हिसाब देना पड़ेगा उसे।
वो ले लेगी ना हिसाब अब्बा, पूछ लेगी कि क्यों किए इतने मर्डर, फिर उसके पास भी तो होगा कोई जवाब, नहीं होगा तो सॉरी बोल देगा। Come on, लुबना। इस तरह सोचने दीजिए ना अब्बा, अब वो आ गया है, हैदराबाद में क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलने दीजिए उसको, मर्डर के बारे में बात मत कीजिए। ये निकले और वो पहुंचे, ये मत काट दे, फोन पर बात किया करेंगे ना। मैं तो कभी बात नहीं करूंगी तुझसे, और बताओ तू जरा किस मुंह से बात करूं? रिश्तेदारी है आपके साथ, वन साइडेड मंगनी चल रही है मेरी, उस हिसाब से मेरी मदर इन लॉ लगते हैं आप, 50-50। अंकल कहाँ है? रोने में देंगे बस, मैं मिल लेती हूँ ना। मैं हूं अंकल यास्मीन, अंदर आ जाओ। तुम तो पैर भी न रखना कमरे में, मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे, हरगिज नहीं। इजाजत दे दीजिए ना प्लीज, मैं चली भी जाऊंगी तो आपके दिल में रहूंगी। जब भी उस कोकोनट वाली को देखा करेंगे, दुआएं दिया करेंगे मुझे। झूठ कहा है तो डांट दीजिए, वरना जाने दीजिए। मुझे जाना ही होगा, इजाजत दे देंगे तब भी, इजाजत नहीं देंगे तब भी। बातों में फंस गए तुम दोनों, वो भी कहने पाया और तुमसे भी कहा नहीं गया। मैं तो कभी नहीं कहूँ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
इसलिए जा रही हूँ ना कि फरा मुझे खत लिखती थी। सच बताओ वो मुझे खत नहीं लिखती थी। मैं वो खत खुद लिखता था उसके नाम से। अरे नहीं, मैं इसलिए नहीं जा रही। मैं तो इसलिए जा रही हूँ कि वो कमीनी तुमसे मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बत करती है कि जबान से कह नहीं सकती। कहने लगी तो फूट फूट कर रोने लगे। सिप्तान और उसके अब्बा क्यों आए हैं और हंस क्यों रहे हैं? खुश हो रहे कि सिप्तान की शादी तुमसे नहीं हुई? चलो चलो, मैं उस घटिया साइकेट्रिस्ट से शादी करूंगी। उधर क्या देख रही थी? अफजल जा रहा था यास्मीन को लेकर। देखो तो कैसे एकदम आंखें फेर ली उसने, जाते हुए मिलकर भी नहीं गई। इस तरह खुश होकर बात ना करो, यहां से रोकर गई है वो। अफजल से तुम्हारी शादी हो जाए तो 12 नफिर पढ़कर दुआ देना उसे। अफजल से बात हुई? अब भी बात नहीं करोगी? उससे कहो ना वो बात करे। इन्हीं बातों में फंस गए तुम दोनों। वो भी कह नहीं पाया और तुमसे भी कहा नहीं गया। मैं तो कभी नहीं कहूंगी। तो ठीक है, शादी तक का इंतजार करो, फिर देखने कैसे फरफर बोलने लगोगी। कहाँ जा रही हो? नीचे जा रही हूँ। तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो रही है। अब्बा ने कहा है इस संडे को निकाह होगा, अगले संडे को शादी होगी। अब मौलवी अंकल ने तो बात ही नहीं की। उन दोनों में तुम दोनों जैसे मामले नहीं है। एक थी यास्मीन, मेरे भाई से प्यार करती थी, पर मेरा भाई फरा से प्यार करता था। उसको देखकर लगा कि प्यार अगर वन साइडेड हो तो वो प्यार से कुछ ज्यादा होता है, पर ये नहीं पता चलता कि प्यार अगर प्यार से कुछ ज्यादा हो तो क्या हो। बारह बज रहे हैं ना? हाँ। 12 बजे का अलार्म क्यों लगाया? मैंने हिसाब रखा था कि 12 बजे पहुंच जाएगा। पहुंच गया होगा। कल इब्राहिम साहब की तरफ चलेंगे। बुलाया क्या उन्होंने? कैसी बात करती हो रुखैया बेगम? वो लड़की वाले हैं, वो क्यों बुलाएंगे भला? नहीं आएंगे ना, झोली फैला कर कहेंगे
मेहरबानी फरमाइए, फरा हमें दे दीजिए। यास्मीन, यास्मीन उठो, तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। सुनो, अंदर आने के लिए नहीं कहोगे मुझे? नहीं, अंदर आओगे तो तुम्हारा दिल आ जाएगा मुझ पर। माफ कर दोगी ना मुझे? परा को फोन किया, फोन करो उसे, उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, मैं उसी वक्त माफ कर दूंगी। अपना ख्याल रखना। सुनो, कभी कराची आओ तो मुझसे मिलने मत आना। थे जिनके प्यार को प्यार मिला। फरा को फोन किया, फोन करो उसे, उससे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, मैं उसी वक्त माफ कर दूंगी। प्यारे अफसर, तुम्हें पता है दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? अच्छा तुम गैस मत करो, मुझसे सुनो। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि परा इब्राहिम तुमसे प्यार करती है। हेलो अफजल, बोलो अफजल। बोलो ना, चुप क्यों हो गए अफजल?
शर्म नाम की किसी चीज को जानते हो तो? चलो चलो यहाँ से। अरे हाथ तो छोड़ो, किसी के बाप का राज नहीं है। तुम्हारा मंगनी वाला प्लान फेल हो गया तो बदला लेने के लिए रस्ते में खड़े हो जाते हो, लोगों को आशिक बन के दिखा रहे हो, सब में बदनाम करना चाहते हो मुझे। मौलवी सुभान अल्लाह के बेटे हो तो मुझे लगा उस दिन की बेइज्जती के बाद 8-10 दिन तक तो घर से बाहर नहीं निकलोगे। शर्म से डूब मरोगे या फिर मुंह छुपाने के लिए हैदराबाद छोड़कर चले जाओगे। हेलो फरा बोल रही हूँ। सो तो पता है, फोन कट गया था। हाँ कट गया था। तो क्या कह रहे थे तुम? कह रहा था कि हमेशा यही करते हो तुम, या तो तुमसे बात नहीं होती या फिर पूरी बात नहीं होती। बोलो, मैं सुन रही हूं। फरा? Yes. फरा कह के बात करोगे ना तो देखना फर बोलने लगोगे। बोलो बताओ। फोन क्यों किया था? खत वाली बात करनी थी आज। आगे बोलो, खत वाली बात से भी आगे। लेकिन मैं अच्छा चलो बात मैं शुरू कर देती हूँ, लेकिन फिर तुम बात पूरी कर देना। वो सारे खत मैंने लिखे थे तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम। झूठ। सारे खत मैंने अपनी तरफ से लिखे आपके नाम। सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हो? ठीक कहा था तुमने, लिख लिए तो लिख लिए। आगे बोलो। ये जो तुम बीच में लंबे लंबे पॉजेस लेते हो ना अफजल, ये कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अरे भाई मर्द बनो, साफ साफ कह दो कि
तुम प्यार करते हो मुझसे? वही तो क्या? प्यार करता हूँ बहुत, लेकिन फरा, इस तरह से फरा मत बोलो, सुनकर मर जाऊंगी। ये लो, फिर चुप हो गए तुम। अच्छा सुनो, खत लिखा है तुम्हारे नाम, सचमुच लिखा है अफजल। कल डाक में डालूंगी तो परसों तुम्हें मिल जाएगा। अब ये मत पूछना कि क्या लिखा है, बस ऊपर प्यारे अफजल लिखा है। तुम तो बेशरम हो बहुत, फट से मुंह पर कह दिया कि प्यार करता हूं बहुत। अब मैं तो लड़की हूं ना, मुझे सोचना पड़ता है, सोचकर लिखा है बहुत। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। तुम रास्ते में हो ना, कब तक पहुंच जाओगे बोलो, बोलो ना प्लीज। बोलो बोलो ना प्लीज। तुमसे कितनी बार कहूं कि तुम्हारे चुप रहने से कितना नुकसान होता है अफजल। जाने वो कैसे